पिछले 2-3 सालों में जो फूड ब्लॉगिंग शुरू हुई है ना, तौबा तौबा। मतलब सड़क पर खड़े होकर अगर आपने छोले कुलचे खा लिए या फिर अमृतसरी नान बनते हुए रिकॉर्ड कर लिए तो इसका मतलब आप फूड ब्लॉगर हो गए। और इनकी देखा देखी बाकी लोगों के अंदर का जो चटोरा जाग जाता है। और इस सब में मक्खन और तेल को जो ग्लोरीफाई किया गया है, आपको कोई आइडिया भी है ये सब आपके पेट में जाकर आखिर करता क्या है? नमस्कार, मेरा नाम है रोनी। स्वागत है आपका हमारे चैनल द सीक्रेट इन्फो पर, जहां पर हम आपको बताएंगे कि ये सब आपके पेट में जाकर आखिर करता क्या है। खाना हमें ऐसा चाहिए जो कि सिर्फ खाने में ही नहीं बल्कि देखने में भी मजेदार हो। फूड ब्लॉगर तो खाने की थाली को सजाने की टेक्निक सिखा सिखा कर ही लाखों कमा रहे हैं, लेकिन एक बार खाना मुंह में चला जाए तो सारी डेकोरेशन गायब हो जाती है। हम खाने को चबाते हैं, टुकड़े टुकड़े होकर वो हमारे पेट में पहुंचता है, जहां चारों तरफ से उस पर एसिड की बौछार हो जाती है। खाने को पचाने के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड की जरूरत पड़ती है। जब हमारा पेट खाली होता है तब हमारे गैस्ट्रिक जूसेस की पीएच वैल्यू 1 तक पहुंच जाती है, यानी ये नींबू के रस और विनेगर से भी ज्यादा एसिडिक होता है और बैटरी फ्लूइड जितना खतरनाक भी होता है। इसकी चपेट में जो भी आ जाए वो गल जाए। सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि ये हड्डियां तक को भी गला देता है। हालांकि इसे सिर्फ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ही गलाने होते हैं। बेसिकली गैस्ट्रिक लाइनिंग के अंदर मौजूद गैस्ट्रिक जूस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और बन जाता है खतरनाक हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पेट को खुद को भी इससे बचाना पड़ता है। इसके लिए पेट अपनी लाइनिंग पर म्यूकस की एक मोटी परत बना लेता है। पेट के इर्द गिर्द मांसपेशियों की 3 परतें होती हैं। ये मांसपेशियां पेट में मौजूद खाने को मिलाने का काम करती हैं, जैसे मिक्सर या ग्राइंडर करता है। ये खाना फिर पहुंचता है छोटी आंत में। इसके शुरुआती हिस्से को कहते हैं डुओडेनम। यहाँ खाने को मिलते हैं कुछ खास तरह के हार्मोन्स और डाइजेस्टिव फ्लूइड्स जो पैनक्रियास से यहाँ तक पहुँचते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि एसिडिटी न्यूट्रलाइज हो जाए। खाना खाने के बाद इसको पचने में कुल 8 घंटे तक लग सकते हैं। जाहिर है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने खाया क्या है। जब आप तला हुआ या फिर बहुत ही मसालेदार खाना खाते हैं तो शरीर बहुत ही ज्यादा गैस्ट्रिक एसिड बनाता है। कॉफी और अल्कोहल से भी यही होता है। अगर आप लगातार इसी तरह का खाना खा रहे हैं तो आपके पेट का एसिड रेगुलेशन हमेशा के लिए खराब हो जाता है। ऐसे में आपको लगातार एसिडिटी और गैस की समस्या बनी रहती है। पेट में बनने वाले गैस्ट्रिक जूस फूड पाइप में घुस आते हैं, इसीलिए आपको खट्टे डकार आते हैं, सीने में जलन होती है। पेट का काम वैसे तो सिर्फ खाना पचाने का ही होता है, लेकिन ये सीधे हमारे दिमाग से भी जुड़ा हुआ होता है। वेगस नर्व के जरिए ये हमेशा हमारे दिमाग से जुड़ा हुआ रहता है। जब पेट खाली होता है तो वो हमारे दिमाग को संदेश भेजता है कि अभी खाना खाना है, और दिमाग आपसे कहता है कि भूख लगी है। इसी तरह दिमाग में जो चल रहा होता है उसका असर पेट पर भी पड़ता है। इसलिए प्यार होता है तो पेट में गुदगुदी होती है, डर लगता है तो पेट में दर्द होता है, और स्ट्रेस में पेट खराब हो जाता है। तो पेट को हल्के में मत लीजिए बल्कि हल्का खाइए। अगर आप पेट का ध्यान रखेंगे तो पेट आपका ध्यान रखेगा। आपको जो भी छोटी मोटी तकलीफ होती है वो शरीर का आपसे कम्युनिकेट करने का तरीका होता है। तो अगर आप एसिडिटी को अब सीरियसली लेंगे, तेल और मसालेदार खाने को छोड़कर फल सब्जी सलाद वगैरह खाएंगे तो बढ़िया है। और अगर आप बॉडी को चैलेंज करेंगे कि खाना तो हमें मसालेदार ही खाना है और ऊपर से चूर्ण ले लेंगे, तो आपका शरीर भी वहां नहीं रुकेगा, वो आपको दूसरी दिक्कतें देने लगेगा, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन या फिर पाइल्स, जिसे हेमोहॉइड भी कहा जाता है। कई बार लोग ये भी कह चुके हैं कि इसके बारे में भी बताइए। तो ये बेसिकली रेक्टम यानी के मलाशय के आसपास के ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि सूज जाते हैं और इनमें दर्द होने लगता है। बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाए तो इसमें से खून आने लगता है। ये 2 तरह के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। यानी रेक्टम के अंदर की कोशिकाएं सूज सकती हैं या फिर उसके बाहर की, और इनका पीरियड से कोई भी लेना देना नहीं है। कुछ लोगों को लगता है पीरियड्स और पाइल्स एक जैसे ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, जबकि दोनों अलग अलग हैं। पीरियड्स महिलाओं के शरीर का एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ना कि कोई बीमारी, और पाइल्स बीमारी है जिसका आपको इलाज कराना पड़ता है। अगर आप ओवरवेट हैं, अक्सर कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, पुरुष हैं, आपकी उम्र 50 से ज्यादा है, आपके परिवार में पहले किसी को अगर ये हुआ है तो आपको इसका खतरा ज्यादा बना रहेगा। इससे बचने के लिए फाइबर से भरपूर खाना खाइए, यानी कि फल सब्जी दालें वगैरह, पानी अच्छे से पीजिए, मसालेदार खाने से बचिए, चाय कॉफी को लिमिट में ही पीजिए और टॉयलेट में बहुत ज्यादा वक्त मत बिताइए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने हमारी इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद।